चलिए आज बनाते हैं राजस्थान की फेमस बड़ी सोगरी की सब्ज़ी। आप इसे किस नाम से जानते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये हम राजस्थानी की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये सर्दियों में ही आती है और कुछ इस तरीके से दिखती है। ये बीन्स जैसी दिखती है पर ये बीन्स नहीं होती है। इसके ऊपर नीचे का हिस्सा हम इस तरीके से तोड़ लेंगे और इसे अच्छे से वॉश करके साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे 1 से 2 विसल आने तक, क्योंकि ये सोगरी बहुत ही हार्ड होती है, ये जल्दी पकती नहीं है। तो इसीलिए हम इसे पहले ही प्रेशर कुक करेंगे 2 विसल आने तक। इसे प्रेशर कुक करने के बाद हम कढ़ाई में तेल डालकर उसे गरम कर लेंगे और यहाँ पे मैंने मूंग दाल की बड़ियाँ ली है, उसे मैंने अच्छे से कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। थोड़ा सा उसे तेल में हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। उसके बाद हम उसमें डाल देंगे जीरा और अदरक हरी मिर्च और साथ में डाल देंगे हमारे रेगुलर मसाले जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, और उसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे उबली हुई सोगरी। साथ में डाल देंगे यहाँ पे पानी थोड़ा सा और नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढककर कुक कर लेंगे जब तक कि बड़ी अच्छे से पक ना जाए। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रखिएगा, ज़्यादा पतली मत कीजिएगा। और ऊपर से इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसमें डाल देंगे अमचूर पाउडर और ऊपर से लगाएंगे इसमें एक और बघार जिसमें मैंने घी में जीरा, हींग और लाल मिर्च डाली है, और ऊपर से इसे बघार डाल के आप इस तरीके से ढक दें और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे सर्व करें गर्म चावल के साथ या फलके के साथ। बहुत ही मज़ेदार और कम्फर्टिंग फूड है, सर्दियों में बहुत मज़ा आता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।